अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शादी तो अंशुमन बउआ और सुमन का तय हुआ है ना जी, आप बीच में कहां से आ गए? नंदन हम गिर जाएंगे। और इसे कहते हैं सालसा, और मुझे सालसा अच्छे तरीके से आता है। सालसा डांसर और मिस्टर नंदन, हम तो चले, तुम करते रहो अकेले अपना सालसा डांस। सालसा अकेले रह गए ना सुल्तानगंज वाले? अरे सालसा थोड़ी ना कोई अकेले करता है, साथी का साथ हो। हाथों में हाथ हो और मामी आ गई। अभी मामी आ गई, देखो पीछे, देखो पीछे। हाँ है मामी। हाँ मामी, जरा यहाँ आइए ना। कहाँ है मामी? आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते? देखिए बोल ही नहीं पा रहे। मामी ये भागलपुर वाले यानी कि हमारे भाई के साले साहब, ये ना आपको एक डांस करके दिखाना चाहते हैं, आप इनका साथ दीजिए ना। हाँ, हाँ डांस डांस, अभी तो तुम कह रहे थे, ये खुद से कुछ कह भी नहीं पाते। और पता है इनका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि सुल्तानगंज वाले ना इनके टक्कर में डांस कर ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स। कैसी बात कर रहे हो, डांस करने में क्या हमसे बेहतर डांस कौन कर सकता है? आइए मैदान में जाइए। अरे करो ना। अच्छा हम करके दिखाए, लो हम करके दिखा देते हैं। मामी जी ये पार्टनर डांस होता है, यू नो युगल डांस, साथ में। तो क्या हुआ, जुगल डांस कर लेंगे? आओ मैदान में। जुगल जुगल जुगल। मामी जी ये हाथ, ये यहाँ रख सकते? पीछे से, पीछे से, पीछे। बोला करते बउआ? सॉरी कितना वजन है आपका? अरे तो कुछ खाया पिया करो। क्या बात है सुमन, तू इतनी उदास क्यों है? मायके छोड़ के ससुराल तो मैं जा रही हूँ और उदासी तेरे चेहरे पर छाई है। नंदनी, नंदन हमें बाहर छोड़ने नहीं आया।
अरे हाँ, वो तो बाहर आया ही नहीं, लेकिन क्यों? हमें नहीं पता। तुझे नहीं पता तो और किसे पता? लास्ट मोमेंट पे तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं नंदिनी, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए तो समझ नहीं आ रहा है कि वो बाहर क्यों नहीं आया। डोंट वरी, प्यार की ना यही प्रॉब्लम है, जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो अपनों को अपने से दूर जाता देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता। पता नहीं नंदिनी, वो बाहर नहीं आया ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तू चिंता मत कर सुमन, वैसे भी तूने अंशुमन भैया को सब कुछ सच बता करना अच्छा ही किया, वो सब संभाल लेंगे। ये लीजिए, सारी लिस्ट तैयार है। हम सोच रहे हैं इस बार गहने कटक से मंगवाएं। सुरभि जी, आप सिर्फ डिजाइन्स फाइनल कर दीजिए, अंशुमन जाकर लेकर आएगा, और अगर उसे कोई गहना पसंद आ जाए तो खरीद भी सकता है। क्यों अंशुमन? आपने खरीदारी शुरू भी कर दी, आप दोनों थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रहे? जल्दबाजी? ये कहते कहते तुम पूरे 27 साल के हो गए हो, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, इतने सालों बाद मनपसंद लड़की मिली है, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अब ये मत कहना कि तुम्हें सुमन पसंद नहीं। ये झूठ बोल ही नहीं सकता, आईने से भी साफ चेहरा है इसका, झूठ बोलेगा तो चेहरे पे साफ दिखाई देगा। नहीं माँ, मैं वो कह रहा था कि नंदन, तुम अभी से तैयार हो गए, तुम्हारी फ्लाइट तो कल की है। हाँ, पर मैंने सोचा कि अभी निकल जाता हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलने में देर हो गई तो फ्लाइट मिस हो सकती है, और यहाँ से पटना पहुँचने में 5-6 घंटे लग ही जाते हैं। लेकिन बेटा, तुम जा कहाँ रहे हो? पापा, मैं इसे दिल्ली भेज रहा हूँ, अभी से भी तो हमारा फैमिली बिजनेस समझना और संभालना चाहिए। यस पापा, जिम्मेदार बेटा जो बनना है मुझे, है ना बिग बी? ऑफ कोर्स, जिम्मेदारियां इंसान को मैच्योर बना देती। लेकिन अंशुमन, इसे अभी क्यों भेज रहे हो? शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है। वो सब मैं संभाल लूंगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। चलो नंदन, मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूँगा। एक मिनट। कान्हा जी तुम्हें सफलता दे। यहाँ तुम हमारी भाभी हो तो यही रुकिए भाभी जी, हम अभी आरती की थाली लेकर आते हैं। सुमन, संभाल के कदम उठाया करो सुमन, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ठोकरे खाती फिरोगी। उर्मिला, चुप हो जाओ। हम आरती की थाली लेकर आते हैं। Oh,
सदा खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। दूध नहाओ, तो फलो। सुमन बेटा अपनी भाभी को अंदर लेके जाओ जी। हम चलते हैं, लेके आओ सामान। एक दिन मैं भी तेरी आरती उतार कर तेरा गृह प्रवेश करवाऊंगी। चुप वापस चलो। क्या बात है सुमन, क्या सोच रही है? नंदनी पता नहीं क्यों पर हमारा मन ना बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ गलत। सुमन शांत हो जा, तुझे ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि तूने अंशुमन भैया से बात की है और अब तुझे लग रहा है कि जब वो सबसे बात करेंगे तो सबका रिएक्शन क्या होगा, सब क्या सोचेंगे। हाँ शायद, पर नंदनी परवर कुछ नहीं, अंशुमन भैया सारी सिचुएशन जानते हैं, वो सब हैंडल कर लेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। Are you sure? बात अंशुमन भैया की है तो damn sure। हाँ नंदिनी हम जानते हैं अब इस दुविधा को अंशुमन जी दूर कर सकते हैं। हमारी इस प्रॉब्लम को अब अंशुमन जी सॉल्व करेंगे। सर आप कुछ लेंगे? वन बीयर। श्योर सर। शादी तो अंशुमन बउआ और सुमन का तय हुआ है ना जी, आप बीच में कहां से आ गए? सुमन आपको बताई नहीं, सारा बात तो उसके सामने ही तय हुआ था। एक्सक्यूज मी, वन विस्की। यस सर। तुम मुझे धोखेबाज हो तुम। धोखा क्यों दिया? तो क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? धोखा दिया क्यों? धोखा दिया? छोड़िए इसे, छोड़ो मुझे। इसने धोखा दिया मुझे, छोड़िए इसे, छोड़िए इसे। आई ओके, कम कम, सबको मार डालूंगा मैं, धोखेबाज है ये। मार दूंगा मैं, अब धोखेबाज है। ये धुआं से आग बना है,
अब ज्वालामुखी बनेगा। नंदन, नंदनी, नंदनी दरवाजा खोलो। सुमन, तू क्या हुआ? अंदर आ। नंदनी, क्या हुआ सुमन? तू इतनी घबराई हुई से क्यों? नंदनी देखो ना, नंदन क्या कर रहा है। लेकिन सुमन, तुझे ये वीडियो भेजा किसने? किसी अननोन नंबर से आया नंदनी। हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। इसमें नहीं समझने जैसा क्या? तो ये फोन ले और अंशुमन भैया को कॉल कर, उन्हें सब पता होना बहुत जरूरी है। तुम सही कह रही हो। हेलो। हेलो अंशुमन जी, नंदन कहाँ है? तुम्हें भी नंदन का वीडियो मिला क्या? हाँ अंशुमन जी, और हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं नंदन किस हाल में कहाँ है और ये वीडियो किसने सेंड किया, और वो भी अननोन नंबर से। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम शांत हो जाओ सुमन, नंदन को कुछ नहीं होगा। मुझे उस बार का एड्रेस मिल गया है जहाँ का वो वीडियो है, मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। नंदन वहीं होगा, जैसे वो मिलता है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके अंशुमन जी। ओके। क्या कहा भैया ने? नंदनी अंशुमन जी को उस बार का पता चल गया जहाँ से ये वीडियो आया, नंदन को वहीं ढूंढने गए। लेकिन नंदन ये सब कर क्यों रहा है? वही नंदनी, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि नंदन ये सब क्यों कर रहा है। उसे तो दिल्ली जाना था ना, तुम जानती हो जब वो पैकिंग कर रहा था ना, हम उसके सामने ही थे, एकदम समझा बुझा कर आए थे, और वो नॉर्मल भी था नंदनी। पर पता नहीं नंदन ये सब क्यों कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें बहुत डर लग रहा है कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। Excuse me. ये वीडियो देखिए, ये इसी बार का वीडियो है ना, ये लड़का देखा आपने? ये तो क्या हुआ सर? अरे क्या बात है? ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में जो लड़का है वो कहाँ है? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, यहाँ कहीं दिखने रहे। ये अरे इसने क्या हंगामा किया यहाँ पे? देखिए इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन हटाया मतलब कहीं चला गया क्या? इस हालत में कहाँ गया होगा वो? हमने इसके अंदर इतना जहर भर दिया है कि अब ये जब भी मुंह खोलेगा तो जहर ही उगलेगा। हम पर उंगली उठाने वाले अंशुमन भैया जी, अब न जाने कितनी उंगलियां उठेगी, किस किस को रोकोगे? अंशुमन भैया, नंदन, 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 अंशुमन भैया, संजोग अच्छा था कि बार के मैनेजर ने नंदन को पहचान लिया, और वो मैनेजर हमको पहले से जानता था, सो उसने हमें कॉल किया, हम सीधा भाग के आ गए, और इनको देखा तो ये हालत एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन हमने संभाल लिया, समझा भी दिया सबको कि कोई कुछ नहीं बताएगा। तुम्हारी बात पे बिलीव कर लूं ऐसा मन तो नहीं करता, लेकिन तुम नंदन को यहाँ ले आए उसके लिए थैंक्स तो कहना पड़ेगा। अरे थैंक्स से क्या बात है भैया, राय बहादुर परिवार हमारा भी तो परिवार है,
उनकी इज्जत हमारी इज्जत है और इसलिए हम नंदन को सीधा हवेली पर लेकर भी नहीं गए, यहाँ ले आए। तो फिर वो वीडियो किस इंटेंशन से बनाया था तुमने? अरे नहीं नहीं भैया, हम ऐसा क्यों करेंगे, जरूर बार में बैठे हुए किसी ने बदमाशी की है। मैं भी ये चाहता हूँ कि वो वीडियो तुमने ना बनाया हो, क्योंकि अगर इस सब में तुम्हारा हाथ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम सही कह रहे हैं अंशुल भैया, हमारा यकीन कीजिए। संदीप चल चल कर चल, चल। अंशुल भैया नंदन का बैग। केतारी कहाँ गिरा वहां?